भाई साहब फोटो हो गया ख़राब, देख सकते हो धक्का लगा रहा हूँ। और हज़ारों की तादाद से यहाँ पे ऑटो जा रहे हैं लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता भाई। देख सकते हो ये आनंद विहार से रास्ता आ रहा है और यहाँ मिस्त्री मिलेगा नहीं, सीमापुरी बॉर्डर जाना पड़ेगा। अभी तो ये फ्लाईओवर बन रहा है साइड में, धक्का मारे जा रहा हूँ और देखना कितने ऑटो आ रहे हैं लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता भाई, खुद ही धक्का मारना पड़ेगा भाई। देख रहे हो कितनी गाड़ी जा रही है, खाली खाली जा रहे हैं लेकिन नहीं। ये देखो, हाँ ये देखो, यानी कि अपने स्टाफ वाले को लगा दिया, वो भी मुल्ला जी अपने स्टाफ वाले को लगा दिया धक्का। अंडर पास में आ गया हूँ, यानी कि ऊपर फ्लाईओवर में मैंने चढ़ाई नहीं गाड़ी, अंडर पास में आ गया हूँ। ठीक है, अंडर पास में जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक ठीक है। देखो, दिखा सकता हूँ आपको, ये देखो अंडर पास में मैं यूँ आ गया हूँ क्योंकि जहाँ तक गाड़ी जाएगी ठीक है, बाकी फिर देखते हैं। अंडर पास देख सकते हो, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक चलेंगे भाई, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता। देख सकते हो पसीने, देख रहे हो, ये देखो पसीने, बहुत ही ज़्यादा पसीने आ चुके हैं। अंडर पास के अंदर आ चुका हूँ, अंडर पास ये देखो ऐसे ही चल रही है गाड़ी, जो है स्टार्ट नहीं है, ऐसे ही चल रही है। अंडर पास में आ गया हूँ, मिस्त्री के यहाँ चलेंगे, देखेंगे कितना खर्चा आएगा भाई। और भाई देखो, अंडर पास तो पार कर लिया लेकिन यहाँ पर चढ़ाई पे कैसे चढ़ाऊँ गाड़ी, देखना कितनी हुआ है। देखो और यहाँ पे देख रहे हो, मेरे पीछे ऑटो भी बहुत सारे आएंगे लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा। देखो कितनी चढ़ाई है, ये देखो कोई रिक्शे वाला ऐसे गाड़ी चढ़ाता है मतलब वजन वाली, तो कितना वो पड़ता होगा। देखो मैं अब ऑटो चढ़ा रहा हूँ लेकिन नहीं चढ़ रहा, एक मेरे पीछे रिक्शा आ रहा है, अब बताओ कैसे चढ़ाऊँ। ये देखो चढ़ाई तुम्हें दिख रही होगी भाई, बहुत ज़्यादा, और कोई किसी की मदद नहीं करता, ये बात हकीकत है भाई। देख लिया मैंने, आज दिन तो पूरा जान खराब जाने वाला है, झाड़ी वाड़ी भी नहीं निकलेगी भाई आज। देख रहे हो, देखो बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है मेरे भाई, चढ़ नहीं पा रही भाई गाड़ी, चढ़ नहीं पा रही गाड़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। देखो कोई किसी की मदद नहीं करता भाई, कितने सारे ऑटो निकल रहे हैं, सारी गाड़ी निकल रही है लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता। ये भाई ले गए हैं मार के धक्का, देखो ये देखो, अब मेरे साथ में ये देखो कितनी गाड़ी आ रही है, कोई किसी की मदद नहीं करता भाई। पसीना भी निकल गया भाई, देखो कोई किसी की मदद नहीं करता भाई। ये देख लिया मैंने, आज की जो दुनिया ना कलयुग की दुनिया भाई, कोई किसी की मदद नहीं करता भाई, थकान हो रही, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया मेरा। चलो और मारता हूँ धक्का थोड़ा सा, ये तो मैंने वीडियो आपको दिखाने के लिए बनाया था कि भाई कोई किसी की मदद नहीं करता। सांस फूले ही बहुत ज़्यादा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ पहले गाड़ी में, फिर आगे धक्का मार के चलना। ऑयल नट जो है ना टूट गया है गाड़ी का, और ले लेते हैं एक, फिर डलवाएंगे क्योंकि भाई तेल भी निकल गया होगा, तेल भी लेंगे सारा, क्योंकि पता नहीं है भाई, देखते हैं। ले लेता हूँ एक नट, तो 12 नंबर का ही बोला है सरदार जी ने, उन्होंने आनंद विहार से गाड़ी खींच के ला रहा हूँ, किसी बंदे ने यूँ नहीं है कि मैं पैर लगा दूँ, धक्का मार के बुला रहा हूँ। हाँ ऑटो वालों को भी मैंने देख लिया, खाली खाली रख के आ रहे थे, अभी तेल भी निकल गया होगा तो तेल भी लेऊंगा, ठीक है तेल निकल गया होगा, तेल कौन सा बचा होगा भाई, तेल भी निकल ही गया होगा क्योंकि, और नट नहीं है, नट ये मैंने ले लिया है, ये देख सकते हो भैया नट जो है निकल गया है, नट ही नहीं लगाया भाई साहब ने, निकल गया है क्या है पता नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला भाई हमारा आज। सर रात ये काम करते हैं सीमापुरी बॉर्डर पर, मैंने बोला था ना सीमापुरी बॉर्डर जाऊँगा, नटी नहीं है भाई, जहाँ से तेल निकलता है वहाँ नटी नहीं है, बताओ तो तेल भी निकल गया होगा सारा,
तेल के तो पैसे भी नहीं हमारे पास, बताओ यार। चलो भाई देखते हैं। क्या होगा भाई पूरे दिन में, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं भाई। लगा तो दिया है सरदार जी ने नट, और देखते हैं तेल चेक करके देखेंगे कितना है कितना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी पलटते हैं गाड़ी फिर देखते हैं। पे मैं आया हूँ, ठीक है, और सीमापुरी बॉर्डर पर ना ये सरदार जी की दुकान है, ठीक है। अगर कोई जमुनापारा में कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, सौ नहीं आनंद विहार सीमापुरी बॉर्डर गोल चक्कर लॉली गोल चक्कर जमुनापार में कहीं भी कोई दिक्कत होती है ना, इनका नंबर ये है, ये देख सकते हो, और ये आपको सर्विस दे सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं अभी आया हूँ, अगर ये मेरे पास नंबर होता ना भाई साहब, तो शायद मेरे को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। ये खुद ही यहाँ पे अंकल जी रहते हैं, इनकी ये शॉप है यहाँ पे, इनको फ़ोन करो और ये स्कूटी लेके औजार लेके वहीं पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इनका नंबर ले लिया है, यूट्यूब में डाल दूँगा, मेरे को भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसी नंबर पर कॉल करूँगा इनको। आप लोगों को नंबर मैंने दिखा दिया है, आप लोग भी कॉल कर सकते हो, ठीक है जी। ठीक है सरदार जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस ये थोड़ा सा पैसे खर्च होंगे तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास सर्विस पूरी अवेलेबल होगा, मिस्त्री साहब वहीं पहुँच जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये देख लीजिए नंबर दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये लो। और हमारी लग गई है भैया भटूरे की प्लेट, देखो खा लेते हैं भटूरे। गाड़ी उधर ठंडी हो रही है, ठीक है, गाड़ी ठंडी हो रही है उधर, खा लेते हैं फिर चल लेंगे काम करने, क्योंकि उन्होंने कहा गाड़ी ठंडी हो जाएगी तभी तेल तेल डलेगा उसके अंदर, हमारे भटूरे लग गए, ठीक है। भटूरे रायता छोड़े आके काम पे निकले, तेल जो है हमारा आ गया, गाड़ी ठंडी हो गई है, तेल डालेंगे इंजन में, ठंडा हो गया तेल, ठीक है, फिर करेंगे काम। देख सकते हो तेल जो है ठंडा हो रहा है, ये सरदार जी डाल रहे हैं हमारी गाड़ी में तेल, ये देखिए। और जो है फिर ज़्यादा काम करेंगे, काम करने के बाद में भैया देखते हैं जिसका लिया उसका देंगे शाम को। ये देखिए तेल डालना है, देख सकते हो। मैं आया हूँ अक्षरधाम मंदिर पे, अक्षरधाम मंदिर जो है मेरे पीछे है, मेरे पीछे अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है। और ये जो रास्ता है ना, यह रास्ता जा रहा है तुम्हारा अक्षरधाम मंदिर, यानी कि लक्ष्मीनगर और अपना गांधीनगर ये सब निकल जाएगा इधर, ठीक है। और ये वाला हाईवे आ रहा है सरायकाले गाँव से, ठीक है, ये अपना ऑटो खड़ा ही है हमारे पास में, ठीक है। और ये भैया के पास आते हैं, नींबू पानी पीते हैं हम लोग, तो पी लेंगे एक नींबू पानी। भैया दूसरा वाला तो है नहीं आज, वो भैया दूसरा गांव गया है, सिस्टर की शादी है इनकी तो गए हुए हैं, हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं भाई। लगाओ भाई नींबू पानी लगाओ। ठीक है भाई पी लेते हैं, पी लूं पैसे नहीं है मालिक साहब मारेंगे। गर्मी आ रही है, गर्मी में तो नींबू पानी चलता है भाई, नींबू पानी ज़्यादा पीते हैं सही रहता है, नींबू पानी ज़रूरी होता है। लो भाई मैं आ गया हूँ, भाई साहब मैं आ गया हूँ अक्षरधाम मंदिर के बाहर, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक और ऑटो वाले कितने हैं, ये देखो। ऑटो वाला तो मैं भी हूँ, लेकिन ऑटो वाला वो जो वहाँ पे खड़े हुए हैं ना, कह रहे हैं सबसे पहले हम सवारी पकड़ेंगे, हमारा ऑटो ये खड़ा है सबसे लास्ट में, हमारा ऑटो ये खड़ा है, ठीक है। और कुछ ऑटो वाले बहुत तेज होते हैं भाई साहब, देखो गेट पे खड़े हैं वहाँ पे, जैसी सवारी बाहर आएगी पकड़ लेंगे, पकड़ लो भाई तुम्हारी किस्मत है। व्यवस्था जी
कहीं और ना भाई, वो खेत में खड़े क्या पता उनकी किस्मत बहुत तेज लग रही हो भाई, वही सवारी लेके निकल जाएंगे सब जाने। हमें नहीं मिलेगी भाई, कोई बात नहीं, नहीं लेके जाएंगे कोई बात नहीं भाई। देख सकते हो अक्षरधाम का नज़ारा भाई, अक्षरधाम का नज़ारा ये है, ये देखो अक्षरधाम मंदिर प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा, ये देखिए प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा, ये देख लीजिए ठीक है जी। ये कह रहा है कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए तेरे को? 3 घंटे से भाई को कोई सवारी नहीं मिली है, सुबह से देख रहे हो, मैं भी रो रहा हूँ, भाई मिला है ये, भाई मिला है। अरे ये चलाने आया है, चल कोई बात नहीं, मेरा काम बढ़िया होगा। ये भाई कह रहा 3 घंटे से कोई काम नहीं मिला इसको, ठीक है रो मत कोई बात नहीं, कल होगा संडे है कल, ये तो चलता ही रहना है। अच्छा 3 घंटे से खड़ा है, कोई बात नहीं भाई, किस्मत एक जैसी नहीं होती, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, हिम्मत बधारो काम करते रहो, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, काम ढीला ही है भाई। तो यार गूगल पर सर्च मारते हैं, सभी को पता है अक्षरधाम के बारे में, तो अक्षर अच्छे को नियम पता, इसके अंदर कैमरा तक नहीं ले जाने देते पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अरे भाई हमें दे देना खजूरी वजूरी, अरे कोई खजूरी वजूरी की सवारी हो तो देती है। अरे भजनपुर का अभी खाया है, अभी क्या 300 भर थे उसको, यार 200 ही दे देता मैं ले जाता। कौन सा है, कौन सा सवारी है?